उठे, हमने सुबह तो नहीं, घर दोपहर हो रही है, हमने उठे, हमने कहा चले थोड़ा बहन को ना हॉस्पिटल है, वहाँ खाना वाना लेकर आते हैं। तो हम आ रहे थे तो हमने देखा कराची की आवाम फारे सारे मोबाइल फोन निकाल के एकदम, ये देखे माशाल्लाह। एक छोटा सा हूँ खड़ा हुआ बेचारा उसी बर्बानी देने के लिए लोग आ गए। नहीं आया, कोई एंजॉयमेंट ही नहीं करा यार ऊंट ने, थोड़ा एंजॉय करा था, थोड़ा मजा वजा करा था, फिर हमें मजा आता बस, बाकी खैर। अब हम जा रहे हैं आगे, अपने जिस काम को आए थे वो काम करेंगे। थोड़ी सी भाई को स्टार्टिंग मिल गई ब्लॉग की, उड़ना है बस थिंकिंग के अबे यार इंटरेस्टिंग कैसे बनाए दिन को, तो खैर अब आएगा काम। आवाम देखें आप, आवाम मुझे भी देखें, मुझे भी मेरी आगे देखें। फाइनली हम लोग पहुँच गए बहन के हॉस्पिटल खाना देने के लिए, हम यहाँ पे आए हैं हम मैं और आप, तो अब उनको खाना देंगे। हमने कहा ईद का दिन है, इन्जॉय कर लें वो भी थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर के लिए ईद नहीं होती। मुझे पता है कि मैं सुबह 8 बजे भी इनको छोड़ने आया हूँ ईद के पहले दिन, अब ईद की नमाज़ पढ़ी घर में, ईद मुबारक बोला भाजी से, ईद ली बस फौरन इनको छोड़ने आ गए। तो डॉक्टर्स के लिए कोई ईद नहीं होती, कोई और सब चीज़ें इसके लिए आपके और मेरे लिए, क्योंकि अगर आप और मैं बीमार हो गए उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब इंशाल्लाह आपको यहाँ के सीन्स दिखाते हैं। हाँ तो हम लोग आ गए हैं वापस, अब जा रहे हैं छत पे। छत पे क्यों जा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, वो आपको ऊपर जाके पता चलेगा, तो आपसे ऊपर जाके आपको दिखाते हैं क्या इम्पोर्टेंट काम है। हाँ तो हम लोग आ गए हैं छत पे। अब छत पे इम्पोर्टेंट काम ये था कि हमने काटना था गोश्त, गोश्त किस चीज़ के लिए, बारहवीं के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी है लाइट का मसला, लाइट का इशू है, शेवर लेकर आना है। तो उससे पहले हम लोग अब क्या करेंगे कि नीचे जाएंगे गोश्त काटने, और फिर उसके बाद ऊपर लाइट लगा के फिर बारहवीं को हमारा बाकी ऊपर होगा। स्टार्ट ले लिया हमने, उस्मान भाई का इनिशिएटिव, उस्मान भाई ने क्या किया सबसे इम्पोर्टेंट काम। हम लोग को याद है आज से 2 साल पहले की बात है, पिछले से पिछले साल की बात है, हमारे पास उस्मान भाई नहीं थे तो हमें आग जलाने में बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो थैंक यू उस्मान भाई, उस्मान भाई ने हमारा जो काम है वो आसान कर दिया। ये एक मेन काम होता है, उसके बाद दूसरा मेन काम होता है टिक के बनाना, वो उस्मान भाई बड़ा अच्छा करते हैं। उस्मान भाई का एक ख्वाब है कि ये होटल खोलेंगे अपना बारहवीं का, तो आपका भाई उस्मान भाई के साथ है खाने में बस। काम स्टार्ट कर दिया हमजा भाई ने, हमजा भाई लगा रहे हैं सीखों पे बोटियाँ, तो वहाँ आपको दिखाते हैं हमजा भाई क्या कर रहे हैं। अभी हमने बना लिए और भी लगी हुई आगे, तो अभी हम खाएंगे बारबेक्यू, फिर उसके बाद बाकी काम होगा। हमजा भाई पराठा तोड़ रहे हैं, उसकी आपको क्रैकिंग की आवाज़ आई होगी,
क्रैक वो वाला नहीं। अच्छा तो अब बस अब हम खाना खाना स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ की बैठ जाएंगे। खाना खाना खा के हम फारिग हो गए हैं। अब हमने सोचा कि थोड़ा खेल वेल लें कार्ड्स, तो हम लोग अभी कार्ड्स खेल रहे हैं। हमजा भाई को देख लें आप, बड़ा अच्छा व्यू है हमजा भाई का पीछे से। तो हम कार्ड्स खेल रहे हैं। हाँ तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बारबेक्यू भी हो गया, काफ़ी अर्से बाद उनकी कुर्बानी भी देख ली, काफ़ी मज़ा आया। और जो बाकी डेली रूटीन काम थे वो तो खैर चलते रहे साथ साथ, लेकिन ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी आज का दिन अब यहाँ ख़त्म होता है, सुबह हो गई, अब तो खैर अगले दिन की 6 बजे सुबह के। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।